चलो भाई लेक्चर 3 आप लोगों का। अब मुझे ये बताओ कि पहले के 2 लेक्चर्स याद है? हाँ याद है, ठीक है। कल का थोड़ा याद नहीं है, जैसे ही हम रिवाइज करेंगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रिफिथ वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो समझ में आया था, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा जो बच्चे कल मिसिंग थे उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है, बट आई विल स्टिल ट्राई कि आपको समझ में आ जाए। अब उस चीज को थोड़ा सा हम रिपीट मोड में लेकर के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों के लिए भी अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको पता है कि क्या डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है? हाँ होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में भी होता है, प्लस आपका ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेट में भी होता है। बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पे हो क्या रहा है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 डीएनए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ 2 डीएनए, यही तो हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया में एज सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसमें जो होता है उसको पैरासेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है। अब पैरासेक्सुअल का मतलब क्या है कि डीएनए ट्रांसफर तो उनमें भी होता है, डीएनए ट्रांसफर उनमें होता है, और जब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और डीएनए क्यों ट्रांसफर किया जाता है बच्चे? डीएनए को ट्रांसफर करने के पीछे कारण ये होता है कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है। समझ में आई बात? तो डीएनए आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए आप उसको क्या करते हो? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हो। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आ गई? आपको पता है डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कर दूं जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पे एक बात याद रखना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, एक बैक्टीरिया से कहां दूसरे बैक्टीरिया में आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। अब यहां पे ध्यान रखना, अब हमें ये देखना है कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ये आपका एक वो है यार, क्या बोलते हैं, कॉन्टेस्ट बोलते हैं ना, कॉन्टेस्ट, ठीक है। और हमारे कंटेस्टेंट कौन है? डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा प्रोटीन। तो इस प्रतियोगिता में किसने भाग लिया भाई? पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा प्रोटीन। जीतेगा कौन? जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वही जीतेगा। समझ में आया? आपका डीएनए भी जीत सकता है, आपका आरएनए भी जीत सकता है, आपका प्रोटीन भी जीत सकता है, एंड ट्रस्ट मी आज की क्लास में जीतेंगे ये जो जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाला कंटेस्ट हमारा है क्या? कौन बनेगा? जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? कौन बनेगा? जेनेटिक मटेरियल। इसमें पार्ट लेना है और एक इंपॉर्टेंट काम करना है आज की क्लास में। सोना नहीं है नालायक, उठो, नहीं उठी हुई हो तुम, ठीक है। जो सोएगा वो, हाँ, क्या खोएगा? जेनेटिक मटेरियल। समझ में आई बात? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, डीएनए भी जीत सकता है, आरएनए भी जीत सकता है, प्रोटीन भी जीत सकता है। आज की क्लास में फैसला हो जाएगा जीतेगा कौन। डीएनए को खाने वाला डीएन, अच्छा डीएन कैपिटल इज छोटा, आरएन कैपिटल एज छोटा, प्रोटीएज में कैसे भी लिख सकते हो, प्रोटीएज में कैसे भी लिख सकते हो। तो आपका क्या है? डीएनएज आरएनएज प्रोटीएज, इज दिस क्लियर? ठीक है, डीएनएज क्या है? डीएनए को जो खा जाता है खत्म कर देता है, आरएनएज क्या है? आरएनए को खा जाता है खत्म कर देता है, और प्रोटीएज क्या है? जो प्रोटीन को खा जाता है यानी कि खत्म कर देता है। अब एक बात याद रखना बच्चे, है क्या हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी आपको ताकि आप एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। लाल चौक, यस, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें
आप इधर एक बात याद रखना, आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसका जीनोम था। जीनोम क्या होता है जी? जीनोम क्या होता है? हाँ, टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल, ठीक है, ये आपका था। एक और बैक्टीरिया आपका है, एक और बैक्टीरिया आपका है जो कि पूरा का पूरा इसी बैक्टीरिया के जैसा है। ये पूरा का पूरा इसके बैक्टीरिया के जैसा है, बस इस वाले बैक्टीरिया में एक रीजन और है जिसे हम क्या बोलते हैं, जो इसकी विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी विरुलेंस के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? दिस रेड रीजन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस। विरुलेंस बोले तो एबिलिटी टू कॉज डिसीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विरुलेंस। तो यहां पर हमारा डिक्शनरी में एक और वर्ड ले लेते हैं, विरुलेंस। विरुलेंस इज एबिलिटी टू कॉज डिसीज, राइट। तो व्हाट इज विरुलेंस बच्चे? एबिलिटी टू कॉज डिसीज। अब ये आपका जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज योर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। This is Streptococcus pneumoniae. This is a bacteria that causes pneumonia in the organism, चाहे वो चूहा हो, ठीक है, माइस, ठीक है, चाहे वो humans हो, हमारे अंदर ये क्या cause करता है? Pneumonia cause करता है। Pneumonia क्या होता है? जब आपका alveolar wall damage होता है तो उसे बोलते हैं हम pneumonia। जब नहीं, fluid fill हो जाता है, ठीक है, alveoli में क्या हो जाता है? Fluid, ठीक है, समझ में आया? तो ये जो विरुलेंट है, ये स्ट्रेन आपका विरुलेंट स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन क्या है? ए विरुलेंट है, ए विरुलेंट। विरुलेंट बोले तो ये डिसीज कॉज कर पाएगा और ये डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि है तो ये मतलब इसके अंदर वो जीन नहीं है जिसकी वजह से डिसीज कॉज कर पाए। समझ में आया? अगर ये लाल, अच्छा ये दोनों वैसे सेम है, दोनों वैसे तो सेम है, इसमें रेड वाला जीन है, इसमें रेड वाला जीन नहीं है, यानी जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल जीन वन इज विरुलेंट एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस जीन अदर इज ए विरुलेंट। बच्चे बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, आपका जो विरुलेंट स्ट्रेन है इसको बोला था एस स्ट्रेन और इसको क्या बोला था? आर स्ट्रेन, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विच इज रिक्वायर्ड टू, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो पिछली क्लास में समझा रखा है। अभी बस अगला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उससे कनेक्टेड एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेन था, एक ये स्ट्रेन था। अब करा क्या, साइंटिस्ट का नाम बता देती हूँ, ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। उस बंदे ने करा क्या था? इसको हीट कर दिया था, हीट किल्ड। क्या कर दिया था? हीट किल्ड। अच्छा एक बात याद रखना, जो मैंने फिगर में दिखा रखा है वो क्या है? डीएनए। जो मैंने फिगर में दिखा रखा है वो क्या है? डीएनए। इसके अलावा सेल के अंदर दो चीजें और होती है, पहला प्रोटीन और दूसरा आरएनए। यानी इसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। बच्चे हमें यहाँ पे मालूम है कि डीएनए है, लेकिन जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको कुछ नहीं पता था, इससे पहले भी जो किया था उसको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसे पता नहीं था, तो तभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है यार, ठीक है। आज के टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट कोई करेगा नहीं, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी नोन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, इसने इसको हीट किल किया, यानी कि मार दिया। क्या करा? मार दिया। मारने के बाद, हीट किल करने के बाद, बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया बच्चे? बैक्टीरिया में से क्या ले लिया? एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। दिस एक्सट्रैक्ट, दिस एक्सट्रैक्ट कंटेन, दिस एक्सट्रैक्ट कंटेन डीएनए स्लैश
आरएनए स्लैश प्रोटीन, स्लैश आएगा नहीं, डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन नहीं, डीएनए कॉमा आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, ओके, समझ में आई बात। तो इसमें क्या है, दिस एक्सट्रैक्ट कंटेन डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। इस एक्सट्रैक्ट का नाम मैं ई कर दूं, इन तीनों को कंबाइन करके मैं ई कर दूं, या बीई कर दूं, इसको मैं बीई कर दूं, या एसबीई कर देती हूं, आगे मैं जहां भी लिखूंगी वैसे। ESB, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, ESB लिख दो इधर, एक्सट्रैक्ट ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ता है, मैं इसलिए एक ही टर्म दे रही हूँ इसको। अब मैं लोग, अब जहां पे भी मैं लिखूंगी ESB मतलब समझ जाना, उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, आई बात समझ में। अब तीन साइन, अच्छा, इनिशियल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय ग्रिफिथ, इनिशियल एक्सपेरिमेंट किसने करा था, ग्रिफिथ ने करा था, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किसने किया था, तीन साइंटिस्ट थे, एवरी मैक्लियोड मैकार्टे, एवरी मैक्लियोड, ठीक है, एंड मैकार्टे, जैसे मैकडोनल्ड में मैक नहीं होता वैसे इधर भी है, ठीक है, समझ में आया। तो कौन से साइंटिस्ट बच्चे, एवरी मैक्लियोड, ठीक है, एंड मैकार्टे, इज दिस क्लियर। अब हाँ बच्चे, नहीं नहीं, एक्सट्रैक्ट तो बच्चे मरे हुए बैक्टीरिया, बस जैसे मान लो आप ये सोचो, ओके, जैसे अगर कोई ह्यूमन मर गया है, ठीक है, तो उसका सेल बॉडी तो अभी भी है ना, तो अगर आप उस बॉडी का कोई टिश्यू लेकर के ग्राइंड करके एक्सट्रैक्ट निकालना चाहो तो वो तो निकल ही जाता है ना, है ना, राइट, ठीक है। तो आप किसी भी टिश्यू से, बच्चे हमारी बॉडी वैसे मर चुकी है, मतलब वैसे क्या, ऐसे वैसे कैसे भी मर चुकी है, ठीक है, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट निकाला जा सकता है, समझ में आया, वो एक्सट्रैक्ट होता है उस, जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उससे आगे डिसीज, एक्सट्रैक्ट से डिसीज कॉज हो सकता है या नहीं, नहीं बच्चे, आप ये सोचो, जैसे अगर यहाँ पर मैं हूँ और मेरे पास यहाँ पर 2-4-10 बम रखे हुए हैं, गन रखी हुई है, और 2-4 नाम बताना, बम हो गया, गन हो गया, अबे तलवार पड़ी है, वो सिक्कल, क्या बोलते हैं उसे, सिक्कल ही ना, सिक्कल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए। अब सोचो मैं, आप किसी दिन क्लास लेने आओ और मैं यहाँ सिक्कल, इधर डंडा, इधर तलवार और इधर पिस्टल लेकर बैठी हूँ, ठीक है, तो ये डेंजरस सिचुएशन है, दिस सिचुएशन विल बी डेंजरस, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पड़ी हैं, यार मेरे ना स्टेटमेंट बड़े बेकार होते हैं, ठीक है, और इस बार तो मेरा खुद का बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर मैं ही जिंदा नहीं हूँ, ठीक है, तो क्या ये हार्मफुल है, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होंगे, हालांकि अरे यार वैसे तो वो मेरे साथ भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आई नो कि किसी को मारना नहीं है, लेकिन सोचो अगर आप एक 5 साल के बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा दो, तो क्या वो चाकू हार्मफुल हो सकता है, यस, क्यों, क्योंकि वो बच्चा उस चाकू से हार्म कर देगा, खुद को भी और किसी और को भी, लेकिन चाकू वहीं पे है, बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो चाकू हार्मफुल है, चाकू अपने आप में हार्मफुल नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ वो हार्मफुल हो जाता है, आई बात समझ में, समझ में आया। तो ऐसे ही आपका डीएनए जब हार्मफुल है, बच्चे डीएनए खुद से कोई काम नहीं करता जब तक उसका सेल ना हो, तो डीएनए हार्मफुल जब है, जब पूरा सेल है, तभी तो ये हीट किल डिसीज कॉज नहीं कर पा रहा था, हाँ यही डीएनए जब आपके दूसरे बैक्टीरिया में घुस जाएगा तब वो हार्मफुल हो जाएगा, हाँ तब वो एक्टिव हो जाएगा, उसको चलाने वाला कोई आ गया ना, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब प्लीज ध्यान रखना, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टे ने किया क्या था, ESB को लिया, किसको लिया, ESB को लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया DNAs, क्या ऐड कर दिया, DNAs, तो ESB प्लस DNAs, और इसको किसके साथ इनक्यूबेट किया, इसके अंदर डाल दिया उन्होंने R स्ट्रेन, क्या डाल दिया, R स्ट्रेन, ठीक है, समझ में आया,
ये सिचुएशन फर्स्ट था। दूसरा सिचुएशन क्या था, उन्होंने फिर से क्या लिया, ई एस बी, अब क्या डाला उसके अंदर, आर एन एस, ठीक है, और फिर इसको किसमें इंक्यूबेट किया, कौन से स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन में इन्होंने इंक्यूबेट किया। तीसरे सिचुएशन में क्या करा, फिर से ई एस बी लिया और अब उसमें क्या डाला, प्रोटीएज, प्रोटीएज, राइट, और अब उसमें क्या डाला, फिर से आर स्ट्रेन डाला, इसके अंदर क्या डाला बच्चे, फिर से आर स्ट्रेन डाल दिया, आर स्ट्रेन डाल दिया। अब मुझे बताओ, ठीक है, कौन से सिनेरियो में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, 1, 2, 3, कौन से सिनेरियो में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब जो आपका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा किस सिनेरियो में, डीएनए खत्म हो चुका है तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही कौन है, डीएनए। आरएनए को आपने खत्म करा लेकिन डीएनए इंटैक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हाँ। आपने इधर प्रोटीन को खत्म करा, डीएनए इंटैक्ट है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हाँ। तो इधर नो ट्रांसफॉर्मेशन, इधर यस, इधर यस, ठीक है। तो क्या इसका ये एक्सपेरिमेंट, और बच्चे उन्होंने ये कहा था कि जो चीज एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। आप देख रहे हो, जैसे आप ये सोचो ये सिर्फ एक केस है, ये क्या है, एक केस है जिसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, कि ये एविडेंस है कि वो बता रहा है कि ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या नहीं। आई बात समझ में, आ रहा है समझ में, परी, शौर्य, ठीक है, पार्थ, आयशा, सक्षम, ईशना, आ रहा है समझ में, हाँ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, ई एस बी प्लस डीएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना प्लीज, ऑल ऑफ यू, अगर मैं इसमें डीएनएस और आरएनएस कर दूं, डीएनएस और आरएनएस, आरएनएस और प्रोटीएज, और प्रोटीएज और डीएनएस, अब मुझे बताओ किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेकंड में होगा, फर्स्ट और थर्ड में नहीं होगा। तो यानी कि यहां से भी ये कंफर्म होता है कि डीएनए ही हमारा ट्रांसफॉर्म करता है। यहां से एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टे ने क्या कंक्लूड किया, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, डीएनए, नॉट आरएनए, नॉट, तो द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज डीएनए, ठीक है, नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन। ये किसका कंक्लूजन था बच्चे, ये किसका कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन था हमारा, एवरी एवरी में ई मत डाल देना, ए है, ठीक है, एवरी मैक्लियोड मैकार्टे, समझ में आया, इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ रहे हैं। नोट डाउन करना क्यों है, आगे बढ़ ही जाते हैं, है ना। अब बच्चे ये वो एक्सपेरिमेंट अब हम करने वाले हैं जो कि अब ये 100% प्रूफ कर देगा कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो अगला एक्सपेरिमेंट जो था वो हर्शियन चेस का था, हर्शियन चेस, ठीक है, दे गेव अ प्रूफ, फाइनल प्रूफ दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते भी क्या है, हर्शियन चेस एक्सपेरिमेंट। तो अब हमारा क्या आ रहा है बच्चे, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, राइट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही मस्त एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, दे वर्क्ड ऑन अ बैक्टीरियोफाज, इन्होंने किस पे काम करा था, बैक्टीरियोफाज, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स टू बैक्टीरिया, तो दे वर्क्ड ऑन अ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बैक्टीरियोफाज है इसमें दो चीजें होती है, इसमें दो चीजें होती है, पहला क्या होता है,
डीएनए और एक होता है प्रोटीन, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन, ठीक है। आपका बैक्टीरियोफाज कुछ इस टाइप का सा है, आपका बैक्टीरियोफाज ऐसा सा होता है बच्चे, ठीक है। इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, यानी कि ये वाली लेयर क्या है, जो बाहर ये लेयर है ये क्या है, प्रोटीन। दिस लेयर इज योर प्रोटीनेशियस प्रोटीन, राइट, एंड दिस इंटरनल मटेरियल इज योर डीएनए। ये इंटरनल मटेरियल क्या है बच्चे, डीएनए, दिस इज डीएनए। बाहर का क्या है, प्रोटीन, बाहर प्रोटीन अंदर डीएनए। आई बात समझ में? अब बैक्टीरियोफाज ये कौन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इकोलाई, किसको इन्फेक्ट करता है, इकोलाई, पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। व्हाट इज द फुल नेम, तो हाँ इट इन्फेक्ट्स टू एस्चेरिचिया कोलाई, तो दिस इन्फेक्ट्स टू एस्चेरिचिया कोलाई, निकनेम इकोलाई, इट्स नॉट निकनेम, इट इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड वर्जन, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं, समझ में आया। इकोलाई हो गया, अब इसके बाद आता है आपका, इसने करा क्या, इस बैक्टीरियोफाज को लेबल किया, क्या करा, लेबल किया। लेबल करने का मतलब क्या होता है, आपको पता है, टैग लगा देना, जैसे आपके पास अगर मान लो चीनी और नमक का डब्बा हो और आपकी चीनी भी पिसी हुई हो बिल्कुल नमक जैसा, तो आप उस पर लेबल लगाते हो ना, ये क्या है, सॉल्ट शुगर लगाते हो ना, ठीक है। मेरा मन करता है कभी मेरे पास हो तो मैं तो NaCl और क्या होते हैं वो, तो ग्लूकोज होता है बेटा, C11H22O12, या मैं तो ये लिखूंगी सीरियसली, ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर है। तो आप लेबल करते हो ना, इसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा, लेबल किया, किसको लेबल किया, बैक्टीरियोफाज को लेबल करा। आपको पता है आप पढ़ाई कैसे अच्छे से कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बस फोन को फ्रिज पे रख देना, क्विकली डू दैट, ला दो यार, ये काम बाद में भी हो सकता है। तुम्हारे दोस्त ने कहा है कि आज फोन फ्रिज पे नहीं, फ्रिज में रख दो। प्लीज ध्यान दो, एक्चुअली पार्थ इस बात को याद रखेगा कि तुमने उसे पूरा RRC सुनवाया। अरे कोई नहीं यार, लड़ाइयां मत करो, ठीक है, भाईचारा 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 ऑन द टॉप, ठीक है। अभी इधर आओ, जल्दी कर लो शौर्य फटाफट, फिर फोन फ्रिज पे रख देना, हाँ ठीक है, ओके, समझ में आया। तो इन्होंने आपके बैक्टीरियोफाज को क्या किया, लेबल किया, किस तरीके से लेबल किया मैं बताती हूँ। इन्होंने डीएनए को लेबल किया और प्रोटीन को लेबल किया, ठीक है। डीएनए को लेबल किससे किया, डीएनए को लेबल किससे किया भाई, फास्फोरस से। डीएनए को कैसे लेबल किया, फास्फोरस से, ठीक है, और प्रोटीन को कैसे लेबल किया, सल्फर से, ठीक है। तो आपने क्या किया, डीएनए की लेबलिंग के लिए आपने फास्फोरस यूज किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, कौन सा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, ठीक है। और आपने प्रोटीन के लिए क्या लिया, सल्फर, ये भी कैसा था, रेडियो एक्टिव, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, कि आप इसको डिटेक्ट कर पाओगे इफ यू विल विजुलाइज इट टू अ बाय अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो ऑटो रेडियोग्राफी को डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है, समझ में आया। तो डीएनए लेबलिंग कैन बी डिटेक्टेड, प्रोटीन लेबलिंग कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। अब फॉस्फोरस को यूज करके डीएनए क्यों लेबल हुआ बच्चे, क्योंकि आपका फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं होता। प्रोटीन से सल्फर क्यों लेबल हुआ, सल्फर से प्रोटीन क्यों लेबल हुआ, क्योंकि सल्फर आपका डीएनए में नहीं होता, समझ में आया। यानी कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, सल्फर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन, और वाइस वर्सा नहीं है। आई बात समझ में? तो व्हेन यू हैव लेबल्ड फॉस्फोरस, और ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, इज दिस क्लियर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो लेबलिंग है उसको कैसे शो करेंगे, लेबलिंग को किस कलर से शो कर दे, इस कलर से शो कर दे,
ठीक है, लेबलिंग विल बी शोन बाय दिस कलर। तो जब आपने डीएनए लेबल करा तो वो कैसा होगा, चेक करो। जब आपने डीएनए लेबल करा तो वो ऐसा होगा, सेम सेम से लग रहे हैं दोनों। जब आप डीएनए लेबल कर रहे हो तो कैसा आएगा, अब अलग लग रहा है, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे कौन लेबल्ड है, डीएनए लेबल्ड है, ठीक है। और जब आपने सल्फर से लेबल करा तो कैसा होगा, ठीक है, ये आपका प्रोटीन लेबल्ड है। यहाँ पे क्या लेबल्ड है, डीएनए लेबल्ड है, यहाँ पे कौन लेबल्ड है, और कैसी कैसी लेबलिंग है, रेडियो एक्टिविटी। तो दे आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। आई बात समझ में। आपका बैक्टीरियोफाज करता क्या है बच्चे, एक जनरल इन्फेक्शन में आपको बता रही हूँ कि जनरल इन्फेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। हेयर इज द सेल, हेयर इज द सेल ऑफ इकोलाई। ये क्या है, सेल ऑफ द इकोलाई। आपको पता है कि किस तरीके से वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, इट इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल। आपका कोई भी वायरस हो वो क्या इंजेक्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आपको पता है वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल कितने होते हैं, डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, सॉरी मैंने क्या बोला, डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। कोविड वाले कोरोना वायरस के केस में क्या था, डीएनए या आरएनए? बच्चे कोरोना वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था, क्या था, आरएनए था। और क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन ज्यादा होती है इसलिए उसका इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। आई बात समझ में, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये आपका इकोलाई है, ये कौन सा सेल है बच्चे, इकोलाई, ठीक है। आपका बैक्टीरियोफाज आया, यहाँ पर बैक्टीरियोफाज आया, इस बैक्टीरियोफाज में क्या लेबल्ड है, डीएनए लेबल्ड है, इसमें क्या लेबल्ड है, डीएनए लेबल्ड है। सेकेंड प्रोसेस में ही करेगा क्या, सेकेंड प्रोसेस में ही करेगा क्या, आपका ये जो सेल है, अच्छा सेल के अंदर जीनोम तो होता ही है, सेल के अंदर जीनोम तो होता ही है, न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। अब इधर ध्यान रखना, ये आपका प्रोटीन कोट जो है बच्चे, ये बाहर चला गया, अंदर क्या इंजेक्ट कर दिया, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया, अंदर क्या इंजेक्ट कर दिया, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पे कौन सी रेडियो एक्टिविटी थी, फॉस्फोरस की रेडियो एक्टिविटी थी, यहाँ पर किसकी रेडियो एक्टिविटी थी, फॉस्फोरस की, यानी कि लेबल्ड क्या था, डीएनए लेबल्ड था, समझ में आया। सेकंड केस में क्या होगा, अगेन आपका इकोलाई है, सेकंड केस में अगेन आपके पास इकोलाई है, और आपका इकोलाई का जीनोम भी है, इकोलाई का जीनोम भी है। बच्चे यहाँ पर क्या लेबल्ड है, आपका प्रोटीन लेबल्ड है, यहाँ पर क्या लेबल्ड है, प्रोटीन लेबल्ड है, राइट। और आपका डीएनए लेबल्ड नहीं है, डीएनए लेबल्ड नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, आपका जो इकोलाई है उसके अंदर क्या इंजेक्ट हो चुका है, उसका जेनेटिक मटेरियल वायरल डीएनए इंजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी ये क्या है, वायरल डीएनए, ये क्या है, वायरल डीएनए जो कि इंजेक्ट हो चुका है, ये भी क्या है, वायरल डीएनए जो कि इंजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और बाहर क्या चला गया, बाहर क्या चला गया, आपका प्रोटीन कोट बाहर चला गया। ये प्रोटीन कोट या फिर आप कह लो कि जो इसकी कोटिंग थी वो अंदर नहीं जाती, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था कि हम ये पता लगा सके कि प्रोटीन है या डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है कौन, समझ में आ रही बात। अब अगर उसने प्रोटीन इंजेक्ट किया होता तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, अगर डीएनए इंजेक्ट किया तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि हमें इतना मालूम है। बच्चे एक बात याद रखना, मॉलिक्यूल्स तीन है, आपका डीएनए भी है, आपका आरएनए भी है, आपका प्रोटीन भी है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये पता है या नहीं पता, ये बात हमें मालूम है। आई बस समझे, तो ये आपका हो गया। हमने देखा जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक है। जहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, नो लेबलिंग वॉज ऑब्जर्व इन इकोलाई, इकोलाई में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व करी। तो इस केस में क्या था, इन केस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, इन केस ऑफ फॉस्फोरस नो रेडियो एक्टिविटी
was observed in bacteria. In case of phosphorus, radioactivity was observed in bacteria, क्योंकि DNA ही तो inject हुआ था, ठीक है? और in case of sulfur, no radioactivity was observed in bacteria. ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूड किया हार्शर चेज ने, क्या कंक्लूड किया बच्चे? हार्शर चेज ने ये एक कंक्लूड किया दैट बैक्टीरियोफाज इंजेक्टेड डीएनए इन द सेल ऑफ इकोलाई. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट बैक्टीरियोफाज injected DNA in the cell of E. coli. Am I right? ठीक है, and this experiment confirms that DNA is genetic material. और ये इन्होंने किससे शो करा था? सल्फर और फास्फोरस से. बच्चे ये एक्सपेरिमेंट किस किस को समझ में आया? बहुत ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, द एलिमेंट्स दैट वर यूज्ड फॉर लेबलिंग विल मेक द एंटायर डिफरेंस. अगर मैं फास्फोरस और सल्फर की जगह कार्बन और नाइट्रोजन ले लूं तो क्या ये एक्सपेरिमेंट स्टिल वर्क करेगा? कार्बन आपका प्रोटीन में भी होता है, कार्बन आपका डीएनए में भी होता है, नाइट्रोजन आपका प्रोटीन में भी होता है, नाइट्रोजन आपका डीएनए में भी. तो ये एक्सपेरिमेंट में फास्फोरस को अगर मैं नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दूं तो क्या एक्सपेरिमेंट वर्क करेगा? नहीं. कार्बन से रिप्लेस कर दूं? नहीं. हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं? नहीं. यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का की पॉइंट क्या है? सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फॉर लेबलिंग. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट क्या है इस एक्सपेरिमेंट में? सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. उन्होंने सेलेक्ट किसको किया? फास्फोरस को सेलेक्ट करा डीएनए लेबल करने के लिए, सल्फर को सेलेक्ट करा प्रोटीन लेबल करने के लिए. अगर इसके अलावा उन्होंने दूसरा एलिमेंट लिया होता सच एज नाइट्रोजन या कार्बन, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता. समझ में आया? ठीक है, फिर पहली इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड थी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट डीएनए और प्रोटीन में होता है. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड थी? बैक्टीरियोफाज कैसे इन्फेक्ट करता है, हमें पता होना चाहिए था कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? इसके अलावा कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि जब वो इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर आपको ये भी देखना है कि जब आफ्टर इन्फेक्शन हम रेडियो एक्टिविटी किसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं? बैक्टीरिया में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वायरस तो निकल जाता है, हम बैक्टीरिया में देखते हैं. तो अगर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया में दिखी, मतलब जिसकी वजह से दिखी, वो जेनेटिक मटेरियल है. बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई जी. ठीक है, आगे देखो. अब इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लो फटाफट से. The unequivocal proof that DNA is genetic material came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase. They worked on a virus that infects to bacteria that is known as bacteriophage. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as its own. आपको पता है कि जब genetic material आता है तो bacteria क्या करता है? वो सोचता है कि ये मेरा खुद का है और वो अपने जीनोम में उसको integrate भी करवा लेता है. यहाँ पे इंटीग्रेट का क्या मतलब है पार्थ? डीएनए को कट करके और वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है. जब वो इंसर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम. समझ में आया? हर चीज का हर जगह एक मतलब होता है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग. इज दिस क्लियर?
Now they work. ये clear हो गया. Hershey and Chase worked to discover whether the protein or DNA. अच्छा, Hershey और Chase ने दो को पकड़ा था. Hershey और Chase ने दो को पकड़ा था, DNA and protein को RNA नहीं लिया था. यानी कि तीन contestant थे हमारे पास, उनमें से सिर्फ दो को पकड़ा था, तीसरे को नहीं पकड़ा था. ये बात याद रखना. Now subsequently manufactured more virus. अच्छा ये तो हो गया. They grew some virus in the medium that had radioactive phosphorus. तो क्या था बच्चे? Radioactive phosphorus था, ठीक है. और दूसरे में क्या था? Radioactive sulfur था, ठीक है. Now अब आप ये बताओगे, they grew your bacteriophages in the medium जिसमें एक में क्या था? Radioactive phosphorus. दूसरे में क्या था? Radioactive sulfur. अब आपको बताना था, when they grew the bacteriophage into a medium that has radioactive phosphorus, तो DNA तो label होगा, protein नहीं होगा. इसको आपको लिखना पड़ेगा. फिर आप बोलोगे, जिस bacteriophage को उन्होंने radioactive sulfur में grow किया, उसका protein label होगा, लेकिन DNA label नहीं होगा. समझ में आया? Now, similarly the virus grown on the radioactive sulfur contained radioactive protein but not radioactive DNA. आई बात समझ में? फिर आता है, radioactive phages were allowed to attach the bacteria. ठीक है, अब आप देख सकते हो बच्चे, labeling मैंने आपको show करा ही था. इसमें तीन process है. पहला क्या है? Blending, infection, blending, और उसके बाद कौन सा process है आपका? Centrifugation. तो पहला क्या है? Infection. दूसरा क्या है? Blending. उसके बाद क्या है? मतलब आपने infection कराया, mix कराया, अब उसके बाद क्या करा रहे हो? सेंट्रीफ्यूज. जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? किसी सॉल्यूशन को, यानी सस्पेंशन को, सॉल्यूशन भी नहीं होता, बैक्टीरियल सॉल्यूशन नहीं होता, बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल पार्टिकल्स डिसॉल्व थोड़े होते हैं, सस्पेंड होते हैं. समझ में आया? तो दैट बैक्टीरियल सस्पेंशन व्हेन सेंट्रीफ्यूज, प्लीज जस्ट इमेजिन यार, यू ऑल हैव नॉट सीन दिस, आई हैव सीन दिस, ठीक है. जब आपका बैक्टीरिया सॉल्यूशन होता है, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, तो सारा का सारा बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाता है. किस तरीके से? आई कैन एक्सप्लेन. जैसे मिट्टी होती है ना, ठीक है, जब आप पूरा पानी हिला दो तो क्या होता है? पूरे में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं. उसे चार दिन छोड़ दो तो क्या होता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है. उसे बोलते हैं हम ये प्रोसेस. देखो, चार दिन में हो रही है, बैक्टीरिया में आप दो मिनट में कर सकते हो. बैक्टीरिया के केस में आप दो मिनट में कर सकते हो. कैसे? सेंट्रीफ्यूज करके. सेंट्रीफ्यूज करते कैसे हैं? उसको तेजी से घुमाया जाता है और वो सेटल डाउन हो जाता है. आई बात समझ में? ठीक है. इधर से ये तो पता चल गया कि डीएनए, इसका मतलब ये हुआ, इस एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया? प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ऑल ऑफ यू प्लीज. आपका डीएनए, आपका आरएनए, आपका प्रोटीन, प्लीज ध्यान रखना, इसको हमने भैया ताज पहना दिया. किस चीज का ताज पहनाया? कि भाई आप जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक है. ये तो, ये क्या कह रहा है भाई? मुझे लड़ाई में रखा ही नहीं, वरना मैं जीत जाता, राइट? ठीक है, बिना लड़े मुझे हरा दिया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है. अच्छा एक और बात, प्रोटीन तो इस गेम में, इस गेम में प्रोटीन का क्या हो गया? हार हो गई, ठीक है. अब आपने डीएनए और प्रोटीन को पकड़ा, डीएनए जीत गया. अब तो जीत गया, ठीक है. आपके एवरी मैक्लियोड मैकार्टे के एक्सपेरिमेंट से भी जीता था और इससे भी जीत गया. अब आरएनए बोलेगा, भाई मेरे को आपने इंक्लूड तक नहीं करा. यानी कि अब क्या चलेगा? अब जो रेस चलेगी वो डीएनए वर्सेस आरएनए चलेगी. अब डीएनए वर्सेस आरएनए वर्सेस प्रोटीन, या फिर डीएनए वर्सेस आरएनए? बेटा अब चलेगा डीएनए वर्सेस आरएनए. अब हम आते हैं मोरल पे. अब हम किस पे आते हैं? मोरल. मोरल क्या होता है? मोरल वैल्यूज होते हैं ना यार. क्या होती है मोरल वैल्यूज? अब हम प्रॉपर्टीज पे, ठीक है. अब देखो, अब आपको किसी देश का राजा बनाना है, ठीक है, ऐसे थोड़े बना देंगे. अब जैसे राजा है, ठीक है, अब मान लो जो राजा है वो कभी भी गुस्सा हो जाए, कभी भी कुछ भी कर ले, तो उस बंदे को बहुत ही अनस्टेबल सा है, उसे बना दोगे राजा? भाई मूड है, अब यू बोलेगा भाई आज तुम्हें 10:30 बजे उठा, ऐसे थोड़े होता है यार. क्या? अभी तो मैं सुबह सुबह नहीं उठने को थोड़े बोल रही हूँ, उठो. क्या हमें काम करते ना, फिक्स टाइम सुबह 9 बजे.
बच्चों को वो भी नहीं पसंद, अब मैं क्या करूं। चलो ओके ठीक है, आपका टाइम तो फिक्स है 12:30 का, आपका टाइम फिक्स है। अरे एक्चुअली उस दिन यार मुझको ट्यूसडे और थर्सडे लैब जाना होता है, ट्यूसडे और थर्सडे मेरे को 12 बजे पहुंच जाना होता है लैब, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ना 9:30 से 11:30 में क्लास लेकर जाऊं, क्योंकि शाम को मेरी फिर रेगुलर क्लासेस होती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ओनली ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे क्योंकि मेरे को लैब जाना होता है। और कल तो मेरे साथ सीन ही हो गया था यार आयशा, कल मैं लैब पहुंची एंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज अ जीएच एंड देयर वाज हॉलिडे बट आई वेंट टू लैब। मैं क्या करूं, मेरे से बड़ा दुख तो कल किसी को हुआ ही नहीं था। ठीक है मुझे लगा ही भाई यही बोलता कि तू तो छोड़ने गई थी उसको सिर्फ, मैंने कहा बाप रे। चलो ओके ठीक है, समझ में आया। ओके मेरी बुराइयां बाद में कर लेना, पढ़ाई कर लो। ओके तो यहाँ पर प्लीज ध्यान रखो, अब हम आते हैं मोरल वैल्यूज पे। अब हम किस पे आएंगे, मोरल वैल्यूज की, डीएनए के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई जब आप अपना नेता चुनते हो तो बोलते हो ना भाई ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से एक चीज कंपल्शन नहीं होती, पढ़ाई लिखाई बोलना आना चाहिए, बकवास पूरी करनी आनी चाहिए। चलो यहाँ पे मैं किसी की बुराई नहीं करते। ओके बच्चे डीएनए की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या डीएनए की नहीं बट जेनेटिक मटीरियल। अभी भी देखो हमारा डीएनए सुप्रीम पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी हम क्वालिटीज चेक करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। इसे मिटा दे पहले, हैं पहले से रब कर लेते हैं फिर आगे करेंगे, ठीक है। ओके अब इधर ध्यान दो बच्चे, आपका आपके डीएनए के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो सॉरी डीएनए नहीं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी आपका क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका। अब मुझे एक बात बताओ, डीएनए अपने, और हमने इधर रखा है डीएनए को, हमने इधर रखा आरएनए को, हमने इधर रखा प्रोटीन को, तो मुझे एक बात बताओ इस केस में कौन जीता, डीएनए आरएनए प्रोटीन, कौन कौन अपना रेप्लिका जनरेट कर सकता है? डीएनए कर सकता है, आरएनए बच्चे वो भी कर सकता है, प्रोटीन नहीं। तो इसमें आपका प्रोटीन, आप देख रहे हो आपका डीएनए हर राउंड को पास करे जा रहा है, आपका प्रोटीन मोस्ट ऑफ द राउंड्स को फेल करे जा रहा है, लेकिन अभी आपका आरएनए भी ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, ठीक है। सेकेंड है बच्चे इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो क्या होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, तो इसको क्या होना चाहिए बच्चे, स्टेबल होना चाहिए। आप मुझे बताओ कौन जीतेगा इन तीनों में से, डीएनए मोस्ट स्टेबल, ये दोनों स्टेबल, ये लेस होता है, ये लेस स्टेबल। प्रोटीन ये भी स्टेबल नहीं होता, प्रोटीन भी स्टेबल नहीं होता, प्रोटीन भी हाईली, मतलब प्रोटीन के साथ ऐसा होता है, आप खुद सोचो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहले क्या डिग्रेड करता है, प्रोटीन आपका उसका जो सेकेंडरी का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है वो डिग्रेड कर जाता है, तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन निकला, डीएनए, ठीक है। इसके बाद है आपका इट शुड प्रोवाइड अ स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, ठीक है, तो देयर शुड बी थर्ड क्या है आपका, स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, क्या है, स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, स्लो चेंजेस की आपका, और स्लो चेंजेस क्यों होना चाहिए, ताकि इवोल्यूशन होता रहे, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू बी परमानेंट, कोई चीज हमें परमानेंट नहीं चाहिए, तो वी वॉन्ट इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन रिक्वायर्ड है। कौन जीतेगा, डीएनए फर्स्ट पोजिशन, सॉरी डीएनए इट इज इट चेंजेस विद द लाइक म्यूटेशन होते हैं लेकिन कम, ठीक है, तो स्लो चेंजेस या क्या बोलोगे, इसमें चेंजेस होते हैं लेस म्यूटेशंस और बच्चे इसके अंदर मोर म्यूटेशंस, ठीक है,
ये इस कैटेगरी को फॉलो ही नहीं करता, ये इस कैटेगरी को फॉलो करता नहीं है। फिर आपका इट शुड बी, अब देखो मेंडल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेंडल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका लास्ट पॉइंट पढ़ना आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, बच्चे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि जेनेटिक मटीरियल को कहा गया, इफ यू आर फॉलोइंग द मेंडल्स रूल देन यू आर जेनेटिक मटीरियल, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन ट्रेट, ठीक है। तो इसमें कौन जीतता है, आपका डीएनए जीत जाता है, आरएनए और ये नहीं जीतते, समझ में आया। तो अब मुझे बताओ हु इज द विनर, डीएनए इज द विनर, दिस इज आर, इसको पहना देता आज, ठीक है। तो योर डीएनए इज द विनर हियर, ठीक है, हमारा डीएनए अब जीत चुका है, हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन बस अब एक लास्ट बात और बताऊंगी एंड वी विल एंड दिस क्लास, ठीक है बच्चे। एक बात आपकी ये भी है कि व्हाट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। जो आपकी सारी मशीनरी इवॉल्व हुई है वो किसके अराउंड हुई है, डीएनए या आरएनए, आरएनए के अराउंड हुई है, डीएनए के अराउंड नहीं हुई है, आई बात समझ में। तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए था, वही आरएनए आगे इवॉल्व होकर के क्या बन गया, उसमें चेंजेस आए, मोर स्टेबल बना और ऐसे आपका डीएनए बना। आरएनए कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन है, मत सुनो क्वेश्चन, आरएनए अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है। बच्चे डीएनए में कम है ना यार, डीऑक्सी डीएनए है या आरएनए, डीऑक्सी डीएनए होता है या आरएनए, डीएनए होता है, तो स्टेबल कौन है, डीएनए, तो अनस्टेबल कौन है, यस, ठीक है। आरएनए की, डीएनए की स्टेबिलिटी के कारण बताओ, पहला कारण कि ये डीऑक्सी है, दूसरा कारण कि ये मिथाइल यूरासिल होता है, 5-methyl यूरासिल यानी कि थायमिन, ठीक है बच्चे। वो डीएनए हेलिकल की स्टेबिलिटी है, डीएनए की स्टेबिलिटी, डीएनए हेलिक्स की स्टेबिलिटी वो अलग अलग है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, पहला डीऑक्सी नेचर, और कौन से पोजिशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, 2' पोजिशन पे नहीं होता, ठीक है समझ में आया। और इसपे क्या होता है, यूरासिल या 5-methyl यूरासिल, 5-methyl यूरासिल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मतलब आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है क्लियर है। तो यहां तक आपका कहां तक हो गया, आरएनए वर्ल्ड तक हो गया। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस that suggests that the life processes such as metabolism, translation, splicing, they all evolved around the RNA, ठीक है। और आपको पता है सारे enzymes कैसे होते हैं, proteinaceous होते हैं, except one enzyme which is not proteinaceous, कौन सा enzyme है जो proteinaceous नहीं होता, हाँ, ribozyme, there is just one enzyme which is not proteinaceous is your राइबोसाइम, एंड राइबोसाइम इटसेल्फ फॉर्म्स प्रोटीन, वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, वो खुद प्रोटीन नहीं है इसलिए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और बाकी सारे एंजाइम्स क्या हैं आपके, प्रोटीन्स हैं, ठीक है समझ में आया। शुड वी स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन, ओके। एक एक्सपेरिमेंट आपका और बचा हुआ है, अरे अभी है टाइम, हाँ